18 से 20 बच्चों की अमवात होती है अक्सर। कितने साल के तुम बेटा? 13। 13 साल, क्या नाम है तुम्हारा? फैज। और कहाँ रहते? ये डर ले गला। कब से आते तुम यहाँ आने? अभी तो आए। डरना आता है? हाँ। ऐसा नहीं लगता नाने में। और तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 12 साल। बहुत बार आया हूँ। बचपन से नहाते हैं। मर जाएंगे या कुछ होगा ऐसा? कुछ मतलब कुछ नहीं, हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को मना नहीं करते? मना नहीं करते, मना करते हैं, लेकिन डूबने लगते हैं तो बचाते हैं फिर। और कुछ तो शकील भाई, जैसा कि अभी गिरना में पानी आया हुआ है, पानी की मकदार बढ़ चुकी है, तो छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के वहाँ पे नहा रहे, उनका कुछ बचाव का, ये ऐसे मर सकते हैं? कल भी एक मौत हुई है एक छोटे बच्चे की, तो इस बारे में आपका क्या कहना है उनको मना करने के लिए या समझाने के लिए? मैं तो सबसे पहले हमारे शहरियान के सरपरस्तों से बोलना चाहूँगा, हर साल पानी जब भी गिरना नदी में आता है तो हम हर साल मीडिया के थ्रू, कॉरपोरेशन थ्रू, हमारे फायर ब्रिगेड गाड़ी सर्च रोलिंग करके इधर उधर भिजा के, मतलब ग्राउंड पे हम अक्सर अलाउंसिंग की तरह लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन हमारे शहरियान मेरे हिसाब से बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं। जब हमारे सरपरस्त जो उनके माँ बाप है, बच्चों पे ध्यान देंगे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ है, या फजरबाद से कहाँ गया है, या स्कूल से दरमियानी छुट्टी में कहाँ गया है, तो अगर हमारे शहर के घर के लोग अपने बच्चों पे ध्यान देंगे तो इस हादसात को रोक सकते हैं। और इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है कि हमारा स्टूडेंट अगर स्कूल में आया है और स्कूल के बाद दरमियानी छुट्टी में भाग गया है या नहीं आया, तो टीचर्स का भी काम है कि उसके सरपरस्तों तक मैसेज देने होना कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया या दरमियानी छुट्टी में भाग गया, उनका भी फ़र्ज़ है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे शहर में जो बच्चे हैं जो अक्सर नहाने जाते हैं तो उन्हें रोक सकते हैं हम। हर साल कितनी अमवात होती है सर इसमें गिरना नदी में? हर साल हमारे हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, मेरी मालूमात के हिसाब से तो हर साल महाराष्ट्र में जहाँ बड़े बड़े समुंदर टापू ये है वहाँ इतने हादसात नहीं होते हैं जितने हादसात हमारे शहर मालेगांव में होते हैं। तकरीबन हर साल 18 से 20 बच्चों की अमवात होती है अक्सर, हर साल का रिकॉर्ड है। कुछ बच्चों को बहुत शौक होता है तैराकी करने का, तो उनको उसको सीखना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए उनका शौक पूरा करने के लिए? और क्या गिरना नदी तैराकी के लिए मुनासिब है? सबसे पहली बात तो अगर जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जैसे जिन्हें तैराकी का फन सीखना है और उन्हें आता नहीं, तो सबसे पहली बात तो उन ऐसे बच्चे गिरना नदी या तालाब में तो पहले बिना सीखे जाना ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें सीखना है, अगर बच्चों को अगर तैरना सीखना है, तो हमारे शहर में आज अल्लाह का एहसान है 2 से 3 स्विमिंग पूल है, वहाँ जाके सीखिए, वहाँ लाइफ गार्ड रहते हैं सिखाने के लिए स्विमिंग पूल पे। और अगर हमारे शहर के बच्चों को सीखना है तैराकी का फन, तो मैं खुद ऑन ड्यूटी ख़त्म होने बाद फ्री ऑफ चार्ज हमारे बच्चों को तैरने का फन सिखा सकता हूँ स्विमिंग पूल में। बच्चे सीखें फिर नदी गिरना नदी में नहाने जाएं, मेरा ये बोलना है। और गिरना नदी तो एक मौत का कुआं है, गिरना नदी एक मौत का कुआं है। मैंने ऐसे सैकड़ों बच्चों को उस गिरना नदी से निकाला हूँ। प्लस गिरना नदी एक ऐसी जगह है जहाँ रेती माफिया, जब पानी नहीं रहता है तो रेती माफियाओं इतने बड़ी मकदार में रेती वहाँ से निकालते हैं और बड़े बड़े घड़े हो जाते हैं, जब पानी आता है तो पूरा पानी भर के लेवल हो जाता है, बच्चों को दिखता नहीं कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ इतना है। बच्चे कम जगह पे नहाते रहते हैं और आगे बढ़ते हुए अगर वो डिप गड्ढा है 10-15 फीट का, तो उसमें डूब कर हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो गिरना नदी में तो मेरे हिसाब से जिस शख्स को तैरना नहीं आता उसने तो नहाना ही नहीं चाहिए। गिरना नदी क्या, आसपास के पानी, तालाब, कहीं भी जिस बच्चे को नहाना और तैराकी के फन से वाकिफ नहीं है उसे तो उसके किनारे भी नहीं जाना चाहिए नदी तालाब पे, मेरे हिसाब से।
ये जो अमवाद होती है इसको किसकी लापरवाही कहेंगे या कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है? इसका जिम्मेदार तो पहले तो खुद सरपरस्त हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, और प्लस कॉरपोरेशन तो उसकी उनके हिसाब से बराबर काम करते हैं। जैसे पानी आया तो पब्लिक को आगाह करना, उसको गिरना नदी पे टीम लगाना, और इसे रोकने के लिए मेरे हिसाब से प्रशासन को चाहिए कि पुलिस का एक स्क्वाड गिरना नदी पे वहाँ रखना चाहिए। अगर पुलिस वहाँ गिरना नदी पे रहती है अक्सर, जब पानी जब आता है उसी टाइम रखिए, चाहे तो जैसे गिरना में पानी है तो एक स्क्वाड अगर पुलिस वहाँ रखती है तो पुलिस के डर से बच्चे वहाँ आएंगे भी नहीं। प्लस हमारी कॉरपोरेशन को भी चाहिए कि हमारे पास जो हम फायर ब्रिगेड भी, हम भी ये भी कोशिश करेंगे अग्निशामक की तरफ से कि हमारे जो लाइफ गार्ड है वो भी हम वहाँ रख सकते हैं कमिश्नर की मंजूरी से, अगर कमिश्नर साहब चाहे तो। वहाँ पे स्क्वाड रखने से एक फ़ायदा रहेंगे पुलिस और फायर ब्रिगेड की वजह से, जो बच्चे वहाँ आते हैं नहाने हम उनको हटा सकते हैं। तो आपका कहने के मुताबिक वहाँ पे कोई स्टेशन बनना चाहिए पुलिस स्क्वाड स्टेशन या कॉरपोरेशन की जानिब से? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वहाँ पे ये बनना ही चाहिए क्योंकि अक्सर हर साल ये अमवाद होती है। इसका रीज़न ये है, इसे रोकना है अगर तो इतना करना ही पड़ेगा। सर अक्सर जो बच्चे जाते हैं वो तैरने के हुनर से वाकिफ रहते हैं, तो उसके बाद भी मौत कैसे हो जाती है सर? अक्सर जैसे बच्चे लोग नहाने जाते हैं उसमें 8-10 दोस्त लोग होते हैं, जिसमें कुछ लोग तैरना जानते हैं 2-4 बच्चे, और वो 2-4 बच्चे सामने वाले को उकसाते हैं कि चल तू नहा उड़ी मार, हम हैं ना तैरते आते हैं ना, हम तो बचा लेंगे। वो बच्चा नहीं भी कहता है लेकिन ये दोस्तों के बोलने पे भरोसे पे कि यार मेरे दोस्तों को तैरना आता है वो मुझे बचा लेंगे, लेकिन वो बच्चे जो तैरना आता है वो नहाते रहते हैं, और इसमें जो जिसे नहीं तैराकी के फन से जो वाकिफ नहीं होता है बच्चा, वो भी नदी में इनके भरोसे उड़ी मार देता है, और जब वो डूबने लगता है तो जो तैरने वाले बच्चे हैं बेशक उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसे बचाने जाते हैं ना तो वो जो डूबने वाला बच्चा रहता है तो जो बचाने वाले बच्चों को ऐसे जकड़ लेता है कि वो भी डूबने लगता है, उस डर से उस बच्चे को छोड़ के भाग जाते हैं, इसमें बच्चों की अमवाद हो जाती है। और किसी बच्चे को अगर एक शख्स डूब रहा है और वो शख्स को दूसरा ना तैराकी से ना वाकिफ है और होशियार नहीं है, मतलब टैलेंटेड नहीं है कि पानी में बच्चों को कैसे बचाया जाता है, आदमी को कैसे निकाला जाता है, अगर वो उसे बचाने जाए तो अक्सर पहले बचाने वाला वो डूबता है और उसके बाद जो डूबने वाला वो डूबता है, तो इसलिए बचाने के हुनर से भी वाकिफ रहना चाहिए बच्चों को, तो जब बचा पाएंगे, ऐसे ही नहीं बचा सकते। सर कुछ नौजवान 20-25 फुट की ऊंचाई से जंप लगाते हैं पानी में सर के हेड की तरफ से, तो ये उनकी बहादुरी कहेंगे या बेवकूफ़ी, इसके बारे में आपका क्या तजुर्बा कहेंगे? मेरे हिसाब से तो ये बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी है, मेरी मालूमात के हिसाब से जैसे जहाँ पे अपन 20-25 फीट ऊपर से पानी में उड़ी मार रहे हैं तो तकरीबन वहाँ इतना पानी चाहिए कि अपने उड़ी मारने के बाद अपने सर को या किसी चीज़ को ना लगे। अक्सर बच्चे इसमें डिफिट खा जाते हैं, वो 20-25 फीट से उड़ी तो मारते हैं लेकिन वहाँ पत्थर रहता है, कुछ ऐसे टेकरा उकरा रहता है, और वो उड़ी मारने से अक्सर आदमी इतनी ऊपर से उड़ी मारते हैं ना तो जंप जैसी वो नीचे लेते हैं तो बहुत तेज़ी से पानी की तरफ जाता है, तो वहाँ पानी का डिप भी उतना रहना चाहिए कि पानी के उतने 10-20 फीट 25 फीट उड़ी मार के 5-10 फीट अंदर जाके ऊपर निकल सके, लेकिन वो उड़ी मारते हुए पत्थर पे टकराने से डिपिट खा के अमवाद हो जाती है उसकी। इन नौजवानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कल अमवाद हुई है उसके बाद आज बहुत बड़ी तादाद में लोग नहा रहे हैं सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए, तो इन नौजवानों को आप क्या गाइडलाइन करेंगे कि यार तुम शौक पूरा करो लेकिन कहाँ और कैसे? सबसे पहले तो मेरा एक मैसेज जो है हमारे शहर के सरपरस्तों और उनके वालदैन से, जो अक्सर बच्चे गिरना नदी पे जा के नहा के बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहर मालेगांव में अमवाद होती है बच्चों की, पानी जब भी आता है अक्सर आप देख लीजिए पानी गिरना नदी में आया तो ये सुनने में आएगा एक ना एक बच्चा डूब गया, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है ना हमारे सरपरस्तों की जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। आज अगर हमारे सरपरस्त अपने बच्चों पे ध्यान दे कि हमारा बच्चा नदी में पानी आया है, आज हमारे शहर में पानी आता है तो पूरे शहर को मालूम पड़ जाता है गिरना नदी में पानी आया है, तो उस वक्त हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, अगर घंटा दो घंटा लेट नहीं आया तो हमारा भी फ़र्ज है कि हमारे बच्चों को ढूंढने के लिए, उसके दोस्तों के लग नहीं मिला कहीं स्कूल में गया है नहीं आया, तो हमारा फ़र्ज है गिरना नदी है और कुछ ऐसे
बहुत कम जगह है अपने यहाँ टापू है जो पानी उन्हें, वहाँ जाके चेक करने में कोई हर्ज नहीं है ना, अपने बच्चों के ढूंढने में अपनी भी जिम्मेदारी है। अक्सर देखने में आता है जब बच्चों के गिरना नदी में डूब जाने से अमवाद होती है तो सरपरस्त चिल्लाट पुकार और बेदर्दी से रोना चीखना करते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि इतने इतने बच्चे आज हमारे शहर में, कब तक हमारा मालेगांव शहर, हमारा बुजुर्ग बाप हमारे बच्चों को जनाजा कांधे पे लेके जाएंगे, कब तक हमारे शहर की माओं की गोद उजड़ेंगी, कब तक हमारे शहर को चाहिए कि हमारे बच्चों पे, हमारे सरपरस्तों को चाहिए कि हमारे बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, हमारे शहर के जो पॉलिटिशियन है उनको भी चाहिए कि हमारे शहर में जो इतने अमवाद हो रही है उन्हें कैसे रोक सकती है, कॉरपोरेशन की भी सख्त इसमें अहम रूल निभाना पड़ेगा।